हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज हम लोग फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने इंटरव्यू सीरीज को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इंटरव्यू सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर 4th अभी आप देखने जा रहे हैं। इंटरव्यू सीरीज में हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन लोगों ने उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है वो कृपया करके जाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उन तीनों लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग थर्मल स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इंटरव्यू में थर्मल स्ट्रेसेस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो थर्मल स्ट्रेस से पूछे जाते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी PSU के इंटरव्यू में आप अपियर होने जा रहे हो या किसी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में अगर आप अपियर होने जा रहे हो, इवन कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू में भी अपियर होने जा रहे हो, तो थर्मल स्ट्रेस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। मतलब उन्हें लगता है कि थर्मल स्ट्रेस बच्चों को नहीं आता होगा और वो बीट कराने की कोशिश करते हैं, तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं थर्मल स्ट्रेसेस से। तो आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम मयंक ठाकुर है और मैंने गेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 4 प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच से लाई थी और गेट 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 236 मैकेनिकल ब्रांच से मैंने लाई थी और मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट और PSU जॉब्स के इंटरव्यू में अपीयर हुआ है और उनको निकाला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू सीरीज ऑफ थर्मल स्ट्रेस। हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्मल स्ट्रेस से बेसिकली 5-6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से पहला एक क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस क्या है। तो जरा देखते हैं हम लोग कि भाई थर्मल स्ट्रेस कौन से चीज की वजह से थर्मल स्ट्रेस होता है, तो हम लोग वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो किसी भी मटेरियल को पहला जो क्वेश्चन है हमारा कॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस, ये पूछेंगे आपसे कि भाई क्यों होता है थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस क्यों होता है जरा देखेंगे हम लोग। देखो किसी भी मटेरियल है अगर उसको आप हीट करोगे, किसी भी मटेरियल को की टेम्परेचर को आप चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको हीट करता हूँ, अगर मैं हीट करूँगा, ये हीट दे रहा हूँ मैं इसको, मान लो ये इस टाइप से मैं इसकी हीटिंग करा रहा हूँ, तो मटेरियल की ये टेंडेंसी होती है कि हीट करने से वो मटेरियल एक्सपैंड होता है। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है हीट ट्रांसफर में एक्सपैंड होता है क्योंकि उसके जो वाइब्रेशनल जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो बढ़ेंगे और बढ़ने के साथ साथ उनके जो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, इस वजह से वो एक्सपैंड करेगा। बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं बट हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा मटेरियल को अगर हम हीट करेंगे तो हमारा मटेरियल एक्सपैंड करेगा और जो एक्सपैंड करेगा ना तो कितने से करेगा, तो मान लो कि उसका जो मटेरियल है मान लो इतने से एक्सपैंड कर गया, सपोज दिस इज योर डेल्टा एल, और इस डेल्टा एल की जो वैल्यू होती है दैट डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि इसकी लेंथ इनिशियल लेंथ एल नॉट थी तो डेल्टा चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो डेल्टा टी से हमने हीट करने की वजह से इसकी टेम्परेचर में राइज हुआ सपोज डेल्टा टी का, तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, सो दिस विल बी योर चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस टेम्परेचर ड्यू टू दिस टेम्परेचर राइज इन दिस बार सपोज। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेस हियर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेस हियर देन व्हाट विल बी द वैल्यू। देखो स्ट्रेस पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज इंटरनली डेवलप्ड थिंग, एक इंटरनली डेवलप्ड थिंग है, मतलब जो कैसे डेवलप होता है। अगर कोई मटेरियल कोई चीज करना चाहता है और अगर उसकी जो चाहत है वो अगर आपने उसको होने नहीं दिया तब आपका स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अभी हम अगर मान लो यहाँ पे हीट कर रहे हैं, हम लोग मटेरियल को हीट कर दिया और हीट करने के बाद हमारा मटेरियल एक्सपैंड करना चाह रहा है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है थर्मल एक्सपेंसिविटी होती है उसके पास, मटेरियल को हीट करोगे तो वो अपने डायमेंशंस को इंक्रीज करना चाहेगा, तो वो चाहत उसकी है कि हम अपने डायमेंशंस को इंक्रीज करें, बट चाहत इसकी अगर फुलफिल हो जाएगी तो स्ट्रेस नहीं आएगा। मतलब अभी यहाँ पे देखिए कहीं पे भी इस मटेरियल के एक्सपेंशन को रोकने के लिए कोई नहीं आया है तो हमारा स्ट्रेस भी जनरेशन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? तो ये जो हमारा जो केस है ये फ्री बार अंडर फ्री एक्सपेंशन, दिस केस इज फ्री एक्सपेंशन, ये फ्री एक्सपेंशन का केस है और हमारा बार अगर फ्री एक्सपेंशन में होगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है कि भाई तुम ना ये कह रहे हैं मैं ना डेल्टा एल से चेंज होना चाह रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया है या घटा दिया है तो शॉर्ट हो जाएगा, बट हमारा मटेरियल को कोई रोका नहीं है किसी ने कि भाई रुक जा भाई तुझे नहीं जाने दूंगा। अगर रोक देता कोई तब जाता है स्ट्रेस, तब आता है स्ट्रेस, अभी कोई इसको रोका नहीं है,
इस वजह से स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी जीरो. सो हियर थर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो इन द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन के केस में योर थर्मल स्ट्रेस विल नॉट प्रेजेंट एट ऑल. लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का हमारा बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. और चेंज इन लेंथ का हमें थर्मल एक्सपेंसिविटी वाले चैप्टर से हमें फॉर्मूला मिल चुका है. सो एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर दिस अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. दिस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो दिस इज एल नॉट. नाउ कैंसिल अगर करेंगे तो हमें आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी. सो दिस विल बी द स्ट्रेन हियर. Strain is alpha delta T, but your stress will be zero in the case of free expansion. But this is not the cause, my dear friend. Cause क्या है कि अगर मैं ये free expansion का केस हटाता हूँ और इस material को बोलता हूँ भाई तुझे मन कर रहा है क्या, तेरी तमन्ना है ना कि delta T के temperature को rise करने से तेरी तमन्ना है कि मैं काश मैं बढ़ जाता, थोड़ा सा अपना लेंथ को चेंज कर लेता, बट मैंने क्या किया इस मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. इस मटेरियल को क्या किया बेटा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, दो फिक्स एंड के अंदर में इस रॉड को लगा दिया. अब अगर मैं इस मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो जो मटेरियल पहले एक्सपैंड हो की चाहत थी उसकी और एक्सपैंड हो भी रहा था, अब वो चाहत तो रहेगी बट एक्सपैंड नहीं होगा. और जो चीज की चाहत है और अगर वो चीज ना मिले तो आपके अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है. होता है कि नहीं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल होता है. तो इसकी चाहत थी कि भैया आपने हीट किया डेल्टा टी से, अपने मेरी टेम्परेचर को तुमने बढ़ाया था, अब मुझे एक्सपैंड करने दो. बट मैंने बोला नहीं करने दूंगा, मैंने दो फिक्स्ड एंड लगा दिया, मैंने बोला नहीं करने दूंगा एक्सपैंड, तो बोलेगा कि भाई अब तो मेरे अंदर स्ट्रेस आएगा. तो बिल्कुल आएगा स्ट्रेस. तो अगर हमने ऐसा देखा कि दोनों एंड को फ्री एंड की जगह पे हमने फिक्स कर दिया, अब इसको बढ़ने नहीं दूंगा, तो हमारा थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा. क्यों होगा? क्योंकि मटेरियल की चाहत के अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं. इस वजह से हमारे मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस विल बी जनरेटेड. सो अगर थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा तो उसकी जो हम लोग डायरेक्टली अगर देखें तो इसका जो, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखो, सो दिस इज द कॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस. अगर मैं आप उससे बोलूं कि कॉज क्या है थर्मल स्ट्रेस का, तो कॉज है कि रेस्ट्रिक्शन इन द एक्सपेंशन और रेस्ट्रिक्शन इन द कॉन्ट्रैक्शन. अगर आप मटेरियल को करते हो तो आपका थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा. रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस, बट इफ यू रेस्ट्रिक्ट द मटेरियल देन देयर विल बी द थर्मल स्ट्रेस. और उसी की वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है. समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी. तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम देखेंगे कि क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो कितने से रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा. तो सपोज दिस इज आर रिएक्शन दे रहा होगा और ये भी आप मान लीजिए कि आर रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है और इसकी लेंथ जो है एल नॉट है. इस आर रिएक्शन की वजह से सपोज हमारा कुछ स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा. दिस इज योर सिग्मा थर्मल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी ए है. तो इस सिग्मा थर्मल की वैल्यू को इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं जरा देखो. इसकी नेट इलांगेशन इक्वल टू क्या होगा बेटा? जीरो. नेट इलांगेशन का मतलब देखो, इसकी चाहत जितनी है वो और जितने से आपने ये रिएक्शन की वजह से उसको रोक दिया है, तो इसका नेट इलांगेशन मतलब कि इलांगेशन ड्यू टू डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर, डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर और प्लस डेल्टा एल ड्यू टू दिस रिएक्शन. सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो. अब अगर ये जीरो होना है तो अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, देखो अगर मैंने इसको हीट किया है, अगर इस मटेरियल को हीट किया है तो टेम्परेचर की वजह से डेल्टा एल कितना आएगा? डेल्टा एल कितना आएगा बेटा टेम्परेचर की वजह से? दैट इज योर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी. और हमारा ये पॉजिटिव में रहेगा. पॉजिटिव मींस ये एक्सपैंड करेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा अगर डेल्टा टी की वैल्यू हमने ज्यादा दिया हुआ है तो, अगर बढ़ा इंक्रीज किया है तो. और हमारा जो डेल्टा एल रिएक्शन की वजह से आता है क्योंकि ये प्रिज्मेटिक बार पे लगने वाला यूनिएक्सियल लोड है और ये कॉम्प्रेसिव नेचर का लोड है. तो कॉम्प्रेसिव नेचर के लोड में हम लोग क्या लगाते थे? पीएल बाई ए. और ये कॉम्प्रेसिव है तो मैंने माइनस लिख दिया, डेल्टा एल आपका माइनस हुआ, कॉम्प्रेस हुआ. तो आर एल बाई ए ई, आर एल बाई ए ई एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज द नेट डिफ्लेक्शन इन दिस बार. नेट डिफ्लेक्शन विल बी जीरो बिकॉज द एंड्स आर फिक्स्ड. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी हियर? दिस इज एल नॉट,
इस अल्फा डेल्टा टी एल नॉट को कॉमन लीजिए, बाहर निकालो जीरो के नीचे में तो जीरो हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी माइनस इस आर बाई ए, यहाँ से देखो आर बाई ए, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो दिस इज योर सिग्मा थर्मल, दिस आर बाई ए सिग्मा थर्मल एल नॉट इज ऑलरेडी कॉमन, so one e and that will be equal to zero. So what will be the value? What will be the value of thermal stress? What will be the value of thermal stress, my dear friend? This minus minus plus and this will be gives you sigma thermal equals to e alpha delta t. So this will be the formula. This will be the formula for temperature stress, thermal stress in this case. And what will be the sign? What will be the sign? What is the nature of this stress? Because thermal stress is due to this reaction, and this reaction tends to decrease. This reaction is in compressive direction. So this thermal stress, whatever this value comes, it will be in compressive. It will compressive in nature. Compressive in nature. Why so? Because वो इलोंगेट होना चाह रहा था, बस उसको होने नहीं दिया, उसको दबा के रख दिया, उसके जो एंड्स थे ना वो दबा के रख दिया, इस वजह से उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि भाई टेम्परेचर को मैं इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ, टेम्परेचर में अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहूं कि ये हमारा दो एंड्स हैं और इसके टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसकी जो टेंडेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहत होगी कि तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाऊं, बट रिजिड है यहाँ पे, फिक्स एंड पकड़ के रखेगा, तो इसकी चाहत के अगेंस्ट में इसको खींचा जाएगा, इसकी चाहत है कि कम छोटा, काश में छोटा हो जाती, बट ये बोलेगा कैसे हो जाऊंगी, मैं हूं ना, तुम्हें तो यहां से जाने नहीं देंगे क्योंकि मैं तो फिक्स हूं, तो फिक्स एंड उसको खींच के रखेगा, इस वजह से फॉर्मूला तो अभी भी वही बनेगा, बट द नेचर ऑफ दिस स्ट्रेस विल बी टेंसाइल इन नेचर, नेचर विल बी टेंसाइल इन नेचर, माय डियर फ्रेंड आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि टेंसाइल है या कंप्रेसिव, आपको फील करना पड़ेगा कि भाई उसकी चाहत क्या है और आपने उस पर कैसा काम किया है, अगर उसकी चाहत है इलोंगेट करने का, आपने इसको दबा दिया, इसका मतलब है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब उसकी चाहत है कॉन्ट्रैक्ट करने का, आपने उसको खींच दिया तो उस पर कैसा स्ट्रेस आएगा, दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद आप आपसे पूछ सकते हैं और आप ऐसे ही एक्सप्लेन करना, यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ अगर हम पूछे, अभी हमने बात किया फ्री एक्सपेंशन का, कोई बोलेगा दूसरा क्वेश्चन यही बनता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बट फिर भी देख लो, फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारा मटेरियल एक्सपेंड करना चाहता है और उसमें एक्सपेंड होने दिया जाता है, तो थर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर एक साइड से फ्री है और दूसरे साइड से रिजिड है, मतलब फिक्स है और एक साइड से फ्री है, तो भी आपके थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि ये आराम से यहाँ से इलोंगेट कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोई दबाया है, अगर आप इसको हीट करोगे तो आराम से इधर की डायरेक्शन में अपना इलोंगेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो दैट विल इन दिस केस ऑल्सो योर थर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो, इन दिस केस ऑल्सो योर थर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो, इसको रोकने के लिए कोई नहीं आया, समझ में आ रही है बात मेरी फ्रेंड? यस। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो थर्मल स्ट्रेस से पूछते हैं वो ये होता है कि थर्मल स्ट्रेस में अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यू बीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी रॉड को आपको बिना लोड लगाए उसकी बेंडिंग करा, बिना लोड लगाए बेंडिंग करा दो भाई उसकी, अगर आपसे कोई पूछे कि लोड नहीं लगाना है, मतलब कि आपको ना फोर्स लगाना है ना मूवमेंट लगाना है ना आपको उस पर टॉर्क लगाना है और आपको बेंडिंग कराना है, सपोज कि बेंडिंग कैसे कराएंगे आप, ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगाओगे, बेंडिंग सॉरी मोमेंट लगाओगे, एक्सटर्नल मोमेंट इस पे लगाओगे तो बेंड हो जाएगा, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो बेंड हो जाएगा, बट आपको इंटरव्यू में पूछे नहीं मुझे ये नहीं लगाना है, लोड नहीं लगाना है, फिर भी मुझे इस बार को बेंड कराना है तो कैसे कराओगे, तो थर्मल स्ट्रेस की मदद से आप बिना लोड लगाए किसी भी बार या जो मटेरियल मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके आप बेंड करा सकते हैं, कैसे कराएंगे जरा देखिए। अगर हमारे पास मान लो कि एक बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिना बेंडिंग बिना लोड लगाए हम लोग थर्मल स्ट्रेस की हेल्प से बेंडिंग करा पा रहे हैं, जरा देखो अगर मेरा ये लोड है बार है और इस बार की मैंने एक एक्सिस खींच दी है, बीचों बीच वाली एक्सिस है सपोज, और मैं अगर बोलूँ कि यहाँ का टेम्परेचर मान लो स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर सपोज अभी यहाँ का रूम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सब जगह 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, सब जगह 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो हमारे बार ऐसे है और कुछ इसमें चेंजेस कराऊंगा तो इलोंगेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि ऊपर वाले सेक्शन को, जो ऊपर वाले फाइबर है बेटा उनको मैं क्या करूँ, उसको तो मैं कर दूँ
45 से उठा के उसको बोल दिया 55 डिग्री हो जाती, और नीचे वाले को मैं हीट करा दूं 100 डिग्री से, करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। सपोज ये हमारे पास ये जो डस्टर है, इसके ऊपर में मैं एक छोटा सा हीट कंपोनेंट लाऊं, हीटिंग कंपोनेंट, और इसको बोलूं भाई हीट हो जा, और थोड़ा उसकी कम इफिशियंसी वाली हीटिंग कराऊंगा, मतलब कि 55 डिग्री ही हीट करे। और दूसरे वाले को क्या करा दूं, मैं बोलूं कि तुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ्लेम से, तुम्हें ज़्यादा इंटेंसिटी के फ्लेम से हीट कराऊंगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा क्या होगा, नीचे वाला फाइबर में डेल्टा एल कितना हो जाएगा, ज़्यादा होगा। डेल्टा टेम्परेचर कितना होगा बेटा, पहले था 45 डिग्री, अब है 100 डिग्री, तो 55 डिग्री का डेल्टा टी हो जाएगा, और ऊपर वाले में कितना हो जाएगा, 10 डिग्री का डेल्टा टी होगा। इसका मतलब इलॉन्गेट दोनों होगा, लेकिन ये थोड़ा कम इलॉन्गेट होगा, ऊपर वाला फाइबर कम इलॉन्गेट होगा, नीचे वाला फाइबर ज़्यादा इलॉन्गेट होगा। तो इसकी मजबूरी हो जाएगी, इसकी मजबूरी हो जाएगी कि हमारा जो मटेरियल है अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, अभी थोड़ा क्या हो जाएगा, बेंड हो के थोड़ा सा इस टाइप से हो जाएगा। इसकी मजबूरी है क्योंकि नीचे वाले फाइबर को क्या करना है, नीचे वाले फाइबर को क्या करना है, ज्यादा इलॉन्गेट होना है। ऊपर वाले फाइबर को क्या होना है, कम इलॉन्गेट होना है। तो देखो कम इलॉन्गेट हुआ, ये ज्यादा इलॉन्गेट हुआ। क्यों ज्यादा इलॉन्गेट हुआ, क्योंकि इलॉन्गेशन का फॉर्मूला पता है हमें, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती थी, एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। मटेरियल सेम है, अल्फा की वैल्यू सेम होगी, दोनों फाइबर की इनिशियल लेंथ एल नॉट ही है। सपोज दिस इज एल नॉट, दिस इज एल नॉट सपोज, तो हमारा एल नॉट ही है, और डेल्टा टी में अलग अलग वेरिएशन है, तो हमारा टेम्परेचर में अलग अलग डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा मटेरियल बेंड कर सकता है अगर आपने ट्रांसवर्स सेक्शन के अलॉन्ग में टेम्परेचर का वेरिएशन कराया है। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ना, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर का वेरिएशन कराया, यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ पे कुछ 90 होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, और 55 डिग्री ऊपर होगा। तो अगर आपने आंसर क्या बोलना है कि यस सर, मैं बिना लोड लगाए, बिना फोर्स लगाए, मैं बार की बेंडिंग करा सकता हूँ, बोलेगा क्यों, कैसे करा सकते हो, तो बोलना कि सर ट्रांसवर्स सेक्शन के अलोंग में टेम्परेचर को वेरिएट करा दो। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन के अलोंग में टेम्परेचर वेरिएट होगा तो माय डियर फ्रेंड योर बार विल बेंड, बिना कुछ लोड लगाए आपका बार बेंड हो जाएगा। और इसके जो इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं बेटा, इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं पहले, तो वो देखेंगे बाद में जब हम लोग लेक्चर जोन का करेंगे उस टाइम पे इसके न्यूमेरिकल करेंगे, बट अभी के लिए नहीं करेंगे, अभी के लिए हम लोग इंटरव्यू सीरीज पे चिपके रहेंगे। ना जो लास्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू सीरीज में, लास्ट का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, हमें नेचर समझना है कि कंपोजिट बार में नेचर कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोजिट बार देखते हैं। कंपोजिट बार का मतलब होता है दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। सपोज कि हमारा ये हमारा एक बार है, और इस बार में ऊपर में मान लो कि कॉपर का मटेरियल है, नीचे में स्टील का मटेरियल है। कॉपर का जो अल्फा की वैल्यू होती है, दिस इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील, ये हमें पता होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कॉपर की ज्यादा होती है और स्टील की कम होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे बार को यूनिफॉर्मली हीट किया गया, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज किया गया, इस पूरे बार को यूनिफॉर्मली हीट करके डेल्टा टी टेम्परेचर से इसका राइज कर दिया गया, तो अब होगा क्या, सिचुएशन क्या बनेगा। देखो डेल्टा टी से राइज किया गया, ओके, कॉपर की चाहत क्या है आपको पता है, डेल्टा टी डेल्टा एल जो होता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। कॉपर की चाहत है कि काश मैं इतना दूर चला जाता, इलॉन्गेट हो जाता, चाहत है ये कॉपर की, हुआ नहीं है, बट चाहत ये। स्टील की क्या चाहत है, स्टील चाह रहा है कि मैं भी इलॉन्गेट होता, बट मैं थोड़ा कम होता। क्यों कम होता, क्योंकि हमारी स्टील की अल्फा होती है कम, तो वो थोड़ा सा कम इलॉन्गेट होता। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि ये कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब यहाँ पे फिक्स होंगे, जो लेयर है ना इंटरफेस, यहाँ पे इसको चिपका के अच्छे से रखा गया होगा, तभी इसको कंपोजिट बोला जाएगा। नट बोल्ट भी लगा सकते हैं, या आप उसको ग्लू से चिपका रहे होंगे, किसी भी तरीके से इसको कंपोजिट सेक्शन बनाया गया। तो चाहत तो ऐसी थी कि कॉपर ज्यादा एक्सटेंड करना चाह रहा था, चाहत स्टील की थी कि मैं भी एक्सपेंड तो करूंगी, लेकिन कितने से करूंगी मैं, क्योंकि मेरी अल्फा कम है तो मैं थोड़ा से करूंगी। अब बीच में कुछ ऐसा कहानी बनेगा, बोलेगा कि नहीं ऐसे कैसे, कॉपर बोलेगा कि मैं ज्यादा जाना चाह रहा हूँ, स्टील बोलेगी कि मैं कम जाना चाह रही हूँ, तो बोलेगा कि ऐसे कैसे होगा, हम लोग तो कंपोजिट है ना, हमें तो साथ साथ चलना पड़ेगा ना। तो साथ साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये साथ साथ चलने की मजबूरी है, साथ साथ चलने के लिए आप ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए कि हम ना ठीक है भाई साथ साथ ही चलेंगे, तुम्हारी चाहत इतनी थी थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा मैं पीछे हटता हूँ, ऐसा सिचुएशन बनेगा भाई। कदम कदम साथ कब चलेंगे लोग, जब थोड़ा सा कॉपर भाई पीछे हटेंगे
और स्टील भाई थोड़ा आगे जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो दिस विल हैपन, और ये कंपोजिट है, इसी वजह से हो रहा है। अब जरा देखो, मैं अगर पूछूं आपसे कि कॉपर में कैसा स्ट्रेंथ, कैसा थर्मल स्ट्रेस आएगा, कितना आएगा, वो बात की बात है, हमें सिर्फ नेचर पता करना है। तो कॉपर की टेंडेंसी क्या थी बेटा? कॉपर चाह रहा था कि बहुत दूर जाता मैं, लेकिन जा नहीं पाया, यहीं रह गया ना बेटा। तो इसको किसी ने खींच लिया, किसने खींचा, स्टील ने खींच लिया, बोला कि नहीं जाने दूंगी। इस वजह से कॉपर में कैसा स्ट्रेस आएगा, जाना बहुत दूर जा रहा था, नहीं जाने दिया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो कॉपर में आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, मतलब जिसकी अल्फा ज्यादा रहेगी ना, अगर आप टेम्परेचर हीट करते हो, टेम्परेचर में इंक्रीज करते हो, तो उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, कॉम्प्रेसिव थर्मल स्ट्रेस आएगा। और स्टील में, स्टील कह रही थी कि मैं थोड़ा दूर ही जाऊंगी, कॉपर उसको और दूर ले गया, बोल रही थी यहीं तक जाऊंगी, कॉपर बोला चलना मेरे साथ, थोड़ा दूर चलते हैं, यहाँ तक चला गया। इसका मतलब उसकी चाहत थी कम दूर जाने की, ले गया कॉपर ने बहुत दूर, इसका मतलब उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा बेटा, उसकी चाहत के अगेंस्ट में जो वर्क हो रहा है ना, वही स्ट्रेस क्रिएट करा रहा है, अभी हमने देखा था। तो यानी कि कॉपर में हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, स्टील में हमारा टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। इसका दूसरा वर्जन, अगर मैं इस टेम्परेचर को कम करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है, इसका दूसरा वर्जन, अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ तो देखो फिर से वही केस, हमारा हमारे पास वही स्टील, वही कॉपर फिर से आ गई, और फिर अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर को कम किया, कूलिंग करा दिया, मतलब हमने कूलिंग करा दिया, कूल करा दिया इसको। तो कॉपर भाई साहब, कूलिंग हो हीटिंग हो, डेल्टा एल का फॉर्मूला सेम, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब अगर मान लो कॉपर की अल्फा क्योंकि ज्यादा होती है, अल्फा कॉपर हमेशा ज्यादा होता है अल्फा स्टील से, तो कॉपर बोलेगा कि मैं बहुत ज्यादा से कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी अल्फा ज्यादा है तो मैं ज्यादा से कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा। स्टील बोल रही है कि मैं ना थोड़ा कम से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बट क्योंकि ये कंपोजिट है तो इनको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, आपस में इनको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमने कहीं डिसाइड कर लिया, इन्होंने भी ठीक है, थोड़ा तुम आगे चलो, थोड़ा हम पीछे हटते हैं, इस टाइप से। अब देखो कॉपर की चाहत थी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ तक पहुंचने की, स्टील की चाहत थी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ तक पहुंचने की, दोनों को पहुंचे कहाँ पे है, ये ब्लैक वाला इनकी फाइनल लाइन है। तो चाहत यहाँ था, गया यहाँ, यानी कि कोई ना कोई तो खींचा होगा ना इसको, यानी कि कॉपर पे कैसा टेंसाइल स्ट्रेस, कॉपर पे कैसा टेंसाइल स्ट्रेस माय डियर फ्रेंड, और स्टील पे कैसा चाहत है यहाँ आने की, पहुंचा है यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसी ने तो इसको खींचा होगा। तो हमारे स्टील पे कैसा स्ट्रेस आएगा बेटा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, क्योंकि इसको छोटा कर दिया गया है, इसकी चाहत से भी छोटा कर दिया गया है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो पिछले वाले केस में उल्टा हो रहा था भाई, कॉपर पे कंप्रेसिव आ रहा था, स्टील पे टेंसाइल आ रहा था, अगर आपने हीटिंग किया था, बट अभी हमने कूलिंग किया है, इस वजह से हमारा जो स्ट्रेसेस की जो नेचर है, दैट नेचर विल बी डिफरेंट माय डियर फ्रेंड, इस बात को ध्यान रखना। और मेरे ख्याल से ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने अभी थर्मल स्ट्रेस का आपको कराया है, ये बहुत ही बेसिक है माय डियर फ्रेंड, बहुत बेसिक है, इंटरव्यू में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, कोई पीएससी के इंटरव्यू में आपसे ये कैलकुलेशन नहीं करवाया जाएगा। बट आपको अगर कैलकुलेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू इन द कैलकुलेशन पार्ट, बट आपको ये चीज कम से कम आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, तब तक के लिए थैंक यू।